और इस समय राजपथ में बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड की एमपी एमएलए कोर्ट से राहुल गांधी को एक बड़ा झटका लगा है। मोदी सरनेम विवाद केस में व्यक्तिगत तौर पर पेशी से रियायत नहीं मिली है। रांची की एमपी एमएलए कोर्ट में मोदी सरनेम विवाद पर सुनवाई होनी है। प्रदीप मोदी नाम के शख्स ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। राहुल गांधी ने कोर्ट से इजाजत मांगी थी कि उनको व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जाए, लेकिन कोर्ट ने इसको नहीं माना है। एमपी एमएलए कोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। अब उनको खुद व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में एमपी एमएलए कोर्ट में झारखंड की पेश होना होगा। तो बड़ी खबर इस समय की आपको बता दें, मोदी सरनेम विवाद केस में व्यक्तिगत तौर पर पेशी से राहुल गांधी को रियायत नहीं मिली है। रांची की एमपी एमएलए कोर्ट में मोदी सरनेम विवाद पर अब सुनवाई होनी है और इसी को लेकर राहुल गांधी चाहते थे कि उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट मिल जाए। प्रदीप मोदी नाम के शख्स ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अब रियायत नहीं मिली है तो खुद राहुल गांधी को पेशी के समय व्यक्तिगत रूप से वहां पहुंचना होगा। तो एमपी एमएलए कोर्ट से राहत नहीं मिली है राहुल गांधी को। पहले ही संसद सदस्यता उनकी रद्द हो गई है। अब एमपी एमएलए कोर्ट में झारखंड में प्रदीप मोदी ने जो शिकायत उनके खिलाफ दर्ज कराई है उसमें उनको व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। मोदी सरनेम को लेकर यह पूरा विवाद है। तो अब झारखंड का जो एमपी एमएलए कोर्ट है जो कि रांची में मौजूद है, वहां पर खुद राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पहुंचना होगा जब भी कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। राहुल गांधी ने रियायत मांगी थी लेकिन कोर्ट ने रियायत देने से इनकार किया। Z News.